गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आऊंगी सुपर अफोर्डेबल बजट फ्रेंडली मेकअप किट। इसमें मैंने सभी प्रोडक्ट्स बहुत ही पॉपुलर ब्रांड्स के इंक्लूड किए हैं। बहुत सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स इसके अंदर हैं और सभी के सभी विद इन 300 है। आपको 300 रुपये से ज़्यादा एक भी पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सोचोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, इतने सारे शॉपिंग ऐप्स हैं, हम फिल्टर लगा के खुद भी खरीद सकते हैं। यस डेफिनेटली आप खरीद सकते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि हम खरीद तो लेते हैं सामान, लेकिन जैसा हमें वो दिख रहा होता है, जैसा वीडियो के या फोटो के अंदर हमें दिख रहा होता है, रियल में जब वो चीज़ें हम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो उतना ब्यूटीफुल इफेक्ट नहीं देती है। मोरोवर जो मेकअप हम उन प्रोडक्ट से करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारे मंगाए हुए सामान से जो मेकअप हमने किया होता है वो सिर्फ ऑन कैमरा ही अच्छा दिख रहा होता है, ऑफ कैमरा उतना अच्छा नहीं दिखता। तो कई बार हम जैसा भी मेकअप करें, फोटोज़ बहुत अच्छी आती हैं, वीडियोज़ बहुत अच्छी आती है, लेकिन वही मेकअप रियल में उतना अच्छा नहीं दिख रहा होता। कई बार मेकअप काला हो जाता है, स्मज हो जाता है, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। अलग अलग स्किन टाइप के हिसाब से अलग अलग मेकअप होता है। तो मैंने आपके लिए एक इस तरीके की एक किट पूरी रेडी की है। कैसी भी स्किन टाइप हो, फेयर मीडियम कैसी भी हो, ऑयली ड्राई कॉम्बिनेशन, क्या कि हर एक के लिए ये प्रोडक्ट्स यूज़ हो सकते हैं बहुत। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ इस किट से आप अपना कंप्लीट मेकअप कर सकते हो। चाहे आप पार्टी मेकअप करना चाहते हो, एवरीडे मेकअप, ऑफिस कॉलेज गोइंग मेकअप, कैसा भी मेकअप आप करना चाहते हो, सभी तरीके का मेकअप इस किट से आप कर सकते हो। मेकअप के अलावा मैंने इसमें टूल्स भी इंक्लूड करे हैं, कुछ इस तरीके के ब्रशेस भी हैं जो बिगनर्स के लिए बहुत ही काम आने वाली है। चलिए जल्दी से आपको दिखा देती हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या इंक्लूड किया है। तो गाइस मेकअप की शुरुआत करते हैं हम टोनर के साथ और मॉइस्चराइजर के साथ। टोनर मॉइस्चराइजर में दोनों ही बायोटिक के प्रेफर करती हूँ और आपको मैं बायोटिक ही सजेस्ट करूंगी, क्योंकि ये दोनों ही प्रोडक्ट्स कंप्लीटली हर्बल हैं। इनके अंदर किसी भी तरीके का कोई केमिकल नहीं है। तो आपकी अगर एक्ने प्रोन स्किन है, बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, तो भी आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हो। मोरोवर ये वाला जो मॉइस्चराइजर है ये बहुत ही लाइट कंसिस्टेंसी इसकी है। आप इसको, मैं देखो पूरे विंटर भी मैंने इसे यूज़ किया और मैं समर्स में भी इसी को यूज़ कर रही हूँ। तो कैसा भी सीजन हो आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज़ टोनर। दोनों ही बहुत ही बजट फ्रेंडली है। 150 के अराउंड दोनों का प्राइस है। गाइस अगर आप एक एवरीडे मिनिमल सा लुक रखना चाहते हैं तो उसके लिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगी ये लैक्मे की ल्यूमी क्रीम, जो कि मॉइस्चराइजर और हाइलाइटर दोनों का ही काम करती है। समथिंग अराउंड 250 के ये अराउंड है और ये मार्केट में बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट आया है। इसके साथ आपको अलग से बेस प्रिपेयर करने की, बहुत सारी चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये लगाओ, हल्के सी लिप टिंट वगैरह लगाओ और आपका लुक जो है वो कंप्लीट होगा। लिप टिंट से मुझे याद आया, ये मैंने अभी रिसेंटली टिंट लिया है लव अर्थ का। बहुत ही इसका क्रीमी सा टेक्सचर है इस तरीके का। अब देखो कितना क्रीमी और कितना नेचुरल। वैसे भी आजकल नेचुरल मेकअप बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो एवरीडे के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। लव अर्थ का जो ये टिंट है ये लिप और चिक दोनों के लिए काम करेगा। तो आप जस्ट ये लूमी क्रीम लगाओ, ये टिंट लगाओ एंड यू आर रेडी फॉर योर कॉलेज, ऑफिस और अ नेचुरल लुक। गाइस आप फाउंडेशन नहीं लगाना चाहते लेकिन बिल्कुल उसी जैसा लुक चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हैं ये लैक्मे की BBS CC क्रीम। ये वाली लैक्मे की CC क्रीम है, ये आपको फाउंडेशन का लुक देगी बहुत लाइट कवरेज के साथ और इसके अंदर मॉइस्चराइजर भी मिक्स होता है। SPF है तो थोड़ा बहुत सन प्रोटेक्शन भी ये देगी। आप शुरू में ट्रायल के लिए इस तरीके का एक छोटा पैक ले सकते हैं जो 80 से 90 रुपीज़ में आएगा। इस तरीके की आप क्रीम लगाओ, साथ में ये टिंट लगाओ और उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा कुछ भी मेकअप थोपने की ज़रूरत नहीं है। तो डे मेकअप के हिसाब से ये परफेक्ट है। तो गाइस अगर आपको मेकअप की एक कम्प्लीट लुक चाहिए तो उसकी जो शुरुआत है वो होगी एक प्राइमर के साथ। एक अच्छे प्राइमर में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब आप सोचोगे मैंने इतना छोटा सा प्राइमर लिया है, तो ये मैंने सिर्फ टेस्टिंग के लिए लिया था। एक्चुअली मेरी स्किन पे पोर्स है तो मैंने ये प्राइमर खरीदा लैक्मे एब्सोल्यूट का। ये ब्लर परफेक्ट प्राइमर है। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक है, जो ओपन पोर्स होते हैं उनको कवर करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। मैंने इससे पहले भी काफ़ी सारे प्राइमर्स यूज़ किए लेकिन किसी ने भी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दिया, तो मुझे इसका रिजल्ट बेस्ट लगा। आप भी चाहें तो अगर आपके पोर्स है तो आप इस तरीके का प्राइमर यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पोर नहीं है तो आप फिर कैसा भी जेल बेस्ड प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। प्राइमर के बाद बारी आती है फाउंडेशन की, और एज वी ऑल नो जो अभी सबसे पॉपुलर फाउंडेशन चल रहा है वो है मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन। इसमें भी मैं बहुत सारी शेड्स हैं, मैंने इसमें 2 शेड्स ले रखी है, एक नाइट मेकअप के हिसाब से, एक डे मेकअप के हिसाब से। इसमें आई थिंक 30 के आसपास शेड्स हैं और बहुत ही बजट फ्रेंडली है। इस तरीके के मिनी ट्यूब्स तो आपको 250 से लेकर और 270 के बीच में ही मिल जाएंगे। हमेशा इन पर ऑफर चलता रहता है तो बहुत ही अफोर्डेबल है ये वाली। इसके अलावा इसके एक पंप में भी पैकेजिंग आती है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप बड़ी वाली बॉटल खरीदने से पहले इस तरीके के सैंपल्स खरीदो। एक इससे छोटा पाउच भी आता है जो 50 रुपीज़ के अराउंड होता है। अगर आपको अपनी स्किन टाइप नहीं पता है तो पहले आप
थोड़ा बहुत मिलता जुलता पाउच वाला पैकिंग मंगा के देखें, और अगर आपको वो सूट करता है तभी आप उससे बड़े वाला प्रोडक्ट मंगाएं। तो फिटमी का फाउंडेशन जो है ये बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत अच्छी कवरेज देता है। तो फाउंडेशन के बाद जो है वो बारी है कंसीलर की। कंसीलर भी मेरे पास मेबलिन का ही है। इसी तरीके के पाउच की मैं बात कर रही थी कि जो फाउंडेशन आप वो इस तरीके के पाउच पैकिंग में ले सकते हो, ये 40 से 50 रुपीस में आता है। इस कंसीलर में एक और ऑप्शन भी है मेरे पास, ये वाला स्विस ब्यूटी का कंसीलर है, और ये वाला समथिंग अराउंड 170 का मुझे पड़ा था। तो इस रेंज में ये वाला बेस्ट कंसीलर है। इसमें ज़्यादा रेंज नहीं है, 2-3 शेड्स ही अवेलेबल है, लेकिन ये बहुत अच्छी कवरेज देता है, बहुत अच्छा कलर करेक्टर का भी ये काम करता है। आपके जितने भी ब्लैमिशेस होंगे उनको बहुत अच्छे से ये कवर करेगा। गाइस कॉम्पैक्ट में मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला है ये लैक्मे का एब्सोल्यूट परफेक्ट रेडियंस कॉम्पैक्ट, और दूसरा है मेबलिन का फिटमी फाउंड कॉम्पैक्ट। दोनों ही कॉम्पैक्ट जो है सेम काम करते हैं, केक की फॉर्म में है ये दोनों, और इन दोनों में ही 3-3, 4-4 शेड ऑप्शन है, एंड दोनों का ही प्राइस 150 के अराउंड है। इस कॉम्पैक्ट के अलावा आपके पास लूज पाउडर ज़रूर होना चाहिए। मेकअप को सेट करने के लिए लूज पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, बहुत ही लाइट वेट इसका फॉर्मूला होता है। ये वाला जो रोज़ पाउडर है ये मेरे पास शेड 01 में है, बहुत ही सॉफ्ट पिंक सा इसका टेक्सचर और हल्की सी इसके अंदर रोज़ की फ्रेग्रेंस आती है। तो ये वाला जो रोज़ पाउडर है ये मुझे लगभग 150 के अराउंड पड़ा था। तो ये तीनों ही चीज़ें, दोनों कॉम्पैक्ट भी और ये लूज़ पाउडर भी, ये तीनों ही 150 की रेंज में और तीनों ही बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। तो गाइज जो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये स्विस ब्यूटी का अल्ट्रा प्रोफेशनल पैलेट, और ये वाला जो पैलेट है ये 3-in-1 काम करता है। इसके अंदर आप देखो कितनी सारी शेड्स है, इसके अंदर ब्लशेस भी है, हाइलाइटर भी है और कंटूर भी। आप तीनों काम, ब्लश, हाइलाइटिंग, कंटूरिंग, तीनों काम आप इस एक पैलेट से कर सकते हो। आप स्मोकी आईज भी इससे बना सकते हो। तो ये वाला जो पैलेट है ये मल्टीपर्पज़ काम करने वाला है, और इसकी पिगमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा डार्क है। एंड गेस व्हाट, ये सिर्फ 300 रुपये का पैलेट है, और 300 के हिसाब से काम ये 1000 रुपये वाला करता है। मतलब बहुत ही अच्छा पैलेट ये है। इसी में मेरे पास एक और ऑप्शन भी है, पर इसके अंदर सिर्फ हाइलाइटर है, ये हाइलाइटर का काम करता है, ये माइग्लैम का हाइलाइटर है। इसके अंदर सारी लाइट शेड से लेकर डार्क शेड, न्यूड शेड, सब तरीके के हाइलाइटर्स इसके अंदर मौजूद है। आप चाहे ये वाला भी ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप ये वाले किट लो तो आपके काफ़ी सारे काम एक ही में हो जाएंगे। गाइस फेस मेकअप आप कितना भी कर लो, जब तक आपकी आईज का मेकअप अच्छा नहीं होगा तब तक जो है लुक बहुत इनकम्प्लीट सी लगती है। तो आईज के मेकअप की जो शुरुआत है वो हम करते हैं एक अच्छे से आई शेडो पैलेट के साथ। तो गाइज जो मुझे सबसे अच्छे आई शेडो पैलेट इस रेंज में लगे वो लगे ये मार्स के आई शेडो पैलेट। ये वाले दोनों ही 250-250 के हैं, और इसमें मैं 3 पैलेट्स अवेलेबल थे, मैंने लिया है शेड 2 और शेड 3। इसके अंदर आपको सारे ब्राइट कलर्स मिल जाएंगे, शिमर कलर्स भी हैं, तो मतलब एक कंप्लीट पार्टी मेकअप लुक आप इससे क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा जो दूसरे किट है इससे आप एक पूरा आईज का नेचुरल मेकअप कर सकते हो। तो आप जैसा चाहो अपना आई लुक क्रिएट कर सकते हो इन पैलेट्स के साथ। मोरओवर इनका पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें आई लाइनर की। तो गाइस आई लाइनर, अगर आपकी मोटी आंखें हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, तो आप कैसे भाई आई लाइनर लगाओ, अच्छा ही लगेगा। प्रॉब्लम आती है जिसकी हुडेड आईज होती है, जैसे कि मेरी छोटी छोटी हुडेड आईज है, अंदर सिलवटे सी पड़ी हुई है, बहुत ज्यादा ऑयल रिलीज होता है आंखों में, तो मैं कैसा भी आईलाइनर लगाती हूँ मेरी आंखों पे बिल्कुल भी नहीं टिकता, इवन विंटर्स में भी नहीं टिकता है। तो मैंने बहुत ज़्यादा बहुत सारे आईलाइनर्स खरीद के बहुत पैसे बर्बाद करके, जब मेरे पे कोई भी नहीं चलता था, तब जाके लास्ट में मुझे एक प्रोडक्ट मिला, ये फैशन कलर का आईलाइनर। ये वाला जो आईलाइनर है ये थोड़ा सा जेल बेस्ड है जो एक लेयर की तरह उतरता है, और इसको लगाना भी बहुत ईजी है, ये बिल्कुल भी स्मज नहीं होता, इवन मुझे गर्मियों में भी स्मज नहीं होता है। इसको ऐसे रब करोगे तो भी स्मज नहीं होगा, लेयर की तरह ही उतरेगा। तो ये वाला आईलाइनर जो है ये मुझे सिर्फ 150 रुपीज में मिला। ऑप्शन है ये इन कलर का जेल आईलाइनर। इससे आप मेरी तरह हुडेड आईज अगर आपकी है और आप लिक्विड लाइनर से बहुत मोटा आईलाइनर नहीं लगा सकते, तो आप ये जेल लाइनर लगा सकते हो। इसके साथ एक ब्रश भी आती है, इस तरीके की ब्रश, इससे विंग्स क्रिएट करना बहुत ईजी रहता है। और ये वाला लाइनर भी जो है बहुत अफोर्डेबल है, आई थिंक अगर आप सिंगल लोगे तो आपको अंडर 200 ही मिल जाएगा। तो गाइज आप इसको कॉम्बो में भी ले सकते हो। इस तरीके से आपको 2 लाइनर मिलेंगे, एक ब्लैक एंड ब्राउन, और दोनों के साथ ही आपको ब्रश मिलेंगी। ये जो ब्राउन वाला है ये ब्रोज को फिल करने में बहुत अच्छा काम करता है। अब ब्रोज की बात हो गई, तो ब्रोज में ये जो स्विस ब्यूटी की ब्रो पेंसिल है, दिस वन इज रियली अ मैजिक। सिर्फ 60 रुपये में आपको इस तरीके का एक क्रीम बेस्ड फॉर्मूला
मिल रहा है। इससे पहले पेंसिल आती थी वो ऐसे छीलने वाली, छीलते रहो टूटती रहती थी और इतना मतलब बकवास सा उसका टेक्सचर होता था। ये वाली जो है बिल्कुल क्रीम बेस्ड है, बहुत इजी टू वाइप ऑफ है और बहुत ही नेचुरल लुक देती है। लाइनर में अगर आप ब्लैक ब्राउन से हटकर कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो आप ये स्विस ब्यूटी का पिंक आईलाइनर भी ट्राई कर सकते हो, कॉलेज गर्ल्स के लिए बहुत ही कूल लुक देगा। तो इस तरीके का ये लाइनर है, इस तरीके का ये लाइनर है। ओह माय गॉड, इतना प्रिटी इसका कलर है। तो इस ये वाला भी समथिंग 200 के आसपास ही था। तो इस आईलाइनर में एक और ऑप्शन भी है, वो है ये स्टिक वाला, जिनको नहीं लगाना आता या बहुत ही स्टार्टिंग है वो इस तरीके के लाइनर्स का यूज़ कर सकते हैं। ये पेन की तरह होता है, ये भी क्रीम बेस्ड फॉर्मूला है, इसका भी टेक्सचर बहुत अच्छा है। देखो टर्कोइज ब्लू कलर का है, जैसा वो पिंक वाला था उसी तरीके का ये है। तो गर्ल्स के लिए बहुत ही प्रिटी लगेगा, ब्लैक से हटके कुछ डिफरेंट है और क्रीम बेस्ड है तो बहुत ही अच्छी पिगमेंटेशन इसकी है। ये वाला एवॉन ब्रांड का है और ये भी आई थिंक 250 के अराउंड ही मैंने लिया था। ये मेरे पास लगभग 4 से 5 साल से है और ये बिल्कुल भी नहीं सूखा है अभी लास्ट जो तक। है आईज के लिए वो है ये मस्कारा, ये वाला नायका का मस्कारा है और ये वाला माई गॉड इतना अच्छे से लगता है ना, बिल्कुल भी स्मज नहीं होता आंखों पे। इधर उधर अगर आपका टच हो भी गया है तो ड्राई अप होने के बाद आप उसको पपड़ी की तरह उतार सकते हो, बिल्कुल भी स्मज नहीं होता। और ये दिखने में कितनी प्रिटी इसके पैकिंग है और इसे सुपर तो गाइस अफोर्डेबल। सारा मेकअप करने के बाद हमें उसे सेट करना है इस सिस ब्यूटी के मेकअप सेटिंग स्प्रे के साथ और इसकी MRP है आई थिंक 249। ऑफर में आपको अंडर 200 ही बहुत इजीली से मिल जाएगा। इस तरीके की पंप पैकेजिंग है, आप दूर से इसको स्प्रे कर सकते गाइस अगर हो। आप अपना मेकअप करना चाहते हो ब्रशेस के साथ तो आप इस तरीके की ब्रशेस ले सकते हो, किसी भी ब्रांड की ले सकते हो। अंडर 300 आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसमें आपको ये 4-5 ब्रशेस फेस मेकअप के लिए मिलेंगी और ये 6-7 ब्रशेस आपको आईज मेकअप के लिए मिलेंगे। तो दीज आर सुपर अफोर्डेबल, 250 रुपीज में मुझे ये एक प्रिटी से बॉक्स के साथ ये मिला था, साथ में इसका एक ढक्कन भी था। तो बहुत ही अच्छी पैकिंग के साथ ये ब्रश का सेट आया था कि अच्छे से प्रोटेक्ट होके इस बॉक्स में रहेंगे। गाइस जो नेक्स्ट है वो है ये ब्यूटी ब्लेंडर, ये फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो कंसीलर ब्लेंड करना हो, फाउंडेशन ब्लेंड करना हो, तो दोनों ही केस में ये बहुत अच्छा काम करते हैं। ये दोनों ही स्विस ब्यूटी के हैं, समथिंग अराउंड 100 या 110 इनकी प्राइसिंग और बहुत ही सॉफ्ट है। इस तरीके के स्पंज आप जरूर यूज करें अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए। सो गाइस जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं ये सभी मैंने बहुत ज्यादा यूज किए हैं। इससे पहले मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट मंगाए, वेस्ट किए, बहुत सारे पैसे बर्बाद करके फाइनली मैं इन प्रोडक्ट्स पे स्टिक हुई हूँ इस बजट में। इसके ऊपर के बजट की मैं एक और वीडियो अलग से बना दूंगी, उसके लिए मेरे पास एक अलग किट है। लेकिन अभी के लिए आप अगर बिगनर हैं तो ये वाला इससे ही शुरुआत करें। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी अलग अलग तरीके की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।